हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग? दुआ करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम एक नए फॉल्ट के साथ आए हैं, बोले तो फॉल्ट FRP के साथ में, जो कि सैमसंग के ओल्ड मॉडल फ़ोन्स, जो जिसमें कि इमरजेंसी कोड हमारा नहीं होता। तो बहुत सारे दोस्त हैं जो परेशान रहते हैं, FRP बाईपास करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो आज इसमें किस मेथड से हम इसकी FRP बाईपास बिल्कुल ईजी कर सकते हैं, तो ये प्रोसेस रहने वाला है एंड्रॉयड 5 और 6 वर्जन पे। एंड्रॉयड 5 और 6 जो कि ओल्ड मॉडल हमारे सैमसंग के फ़ोन हैं, बहुत अभी भी आते हैं फ़ोन हमारे पास अनलॉकिंग के लिए। तो बिना कोई फ़ोन में करप्टेड, बिना कोई बाईपास का आज हम बाईपास करेंगे बिल्कुल इजी मेथड में। बाईपास नहीं बोले, डायरेक्ट अनलॉक करेंगे। तो इसके लिए आपको पता है कि सैमसंग फ़ोन के FRP या फ्लैशिंग करने के लिए हमें USB ड्राइवर डाउनलोड करना होता है। तो जो भाई लोग फर्स्ट बार ये FRP बाईपास कर रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आपका सैमसंग USB ड्राइवर का। तो सबसे पहले आपको USB ड्राइवर इंस्टॉल कर लेना, फिर अपने PC का एंटीवायरस डिसेबल करके ये टूल आपको दिख रहा होगा, SAMFW टूल, और इसका वर्जन 3.31, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से USB ड्राइवर और ये टूल आपको डाउनलोड कर लेना है। जो भाई पहले से कर रहे हैं उनमें तो ऑलरेडी सैमसंग USB ड्राइवर PC में इंस्टॉल ही रहता है। अगर जिनके PC में इंस्टॉल नहीं है वो इंस्टॉल कर लें। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा, तो मैं इंस्टॉलिंग का वीडियो नहीं बना रहा। बट जो भाई फर्स्ट वाले FRP बाईपास कर रहे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है, आप USB ड्राइवर का आप डाउनलोड कर लेना। एंड सेकंड में ये टूल आपको रन कर लेना है आपके PC में, जो भी एंटीवायरस है उसको बंद करके, ठीक है। देन आप यहाँ पे देखना, हमारा जैसे मैं USB मेरा फ़ोन कनेक्टेड है अभी PC से, तो ये आपका पोर्ट बनना चाहिए, MTP सैमसंग का पोर्ट मस्ट भी बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फ़ोन को डाउनलोड मोड में कनेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसका जो SAMFW का लेटेस्ट वाला वर्जन है उसमें ये सब सारे फीचर्स बंद हो चुके हैं। मैं लेटेस्ट टूल भी इसका बता सकता था, लेकिन लेटेस्ट टूल में ये सब सारे बंद हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डाउनलोड मोड में जाना है, जैसा कि आप देख पा रहे हो डाउनलोड मोड। यहाँ पे नीचे में दो ऑप्शन मिलता है, एक FRP बाईपास 5-6 मेथड 1 और मेथड 2। तो आपके पास कोई भी सैमसंग का फ़ोन आए FRP बाईपास के लिए, तो आपको यहाँ पे मस्ट भी चेक दोनों मेथड ट्राई करना, मेथड 1 मेथड 2। किसी किसी में क्या होता है मेथड 1 से ही अनलॉक हो जाता है, किसी किसी मेथड 2 में होता है, ठीक है। तो अभी मैं मेथड 2 पे ट्राई करूँगा फर्स्ट में, उसके बाद में मेथड 1 पे। अगर मेथड 2 फेल होगा तब मेथड 1 करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले फ़ोन को डाउनलोड मोड में कनेक्ट करना है। तो फ़ोन को डाउनलोड मोड में ले जाने के लिए, जो भाई पहले से जानते हैं उनको तो ऑलरेडी पता है, जो नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ। फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेना, उसके बाद में आपको वॉल्यूम डाउन, बीच का होम बटन एंड पावर की तीनों दबाए रखना है 5 से 6 सेकंड तक। जैसे ही फ़ोन आता है डाउनलोड मोड का वार्निंग का, फिर यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप यानी प्लस पे क्लिक करके कंटिन्यू कर लेना। फ़ोन हमारा चला गया डाउनलोड मोड में, फिर हमें USB के थ्रू फ़ोन को कनेक्ट करेंगे अपने PC या लैपटॉप से। तो लैपटॉप से करने के बाद से फिर से हमारा देखिए पोर्ट ऑल बन चुका है। अब आपको क्या करना है, मेथड 2 पे पहले ट्राई करना, कोई भी फ़ोन रहे तो मेथड 1 मेथड 2 आपके एक्सपीरियंस के थ्रू काम करते करते आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि कौन फ़ोन हमारा मेथड 1 से होगा, कौन मेथड 2 से, ठीक है। तो मैं मेथड 2 से ट्राई किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो फेल हो गया है। एक बार फिर से हम ट्राई करेंगे, दोबारा उस पर क्लिक करेंगे, और अब दोबारा में भी देख सकते हो कि हमारा ओनली घूम रहा है, ठीक है। तो हम फ़ोन को PC से डिसकनेक्ट करेंगे और फिर से डाउनलोड मोड में ले जाए, क्योंकि अभी ये पोर्ट नहीं बनाएगा। यहाँ पे देख सकते हो जहाँ पे हमारा ड्राइवर शो करता है, वो ड्राइवर अभी पोर्ट हमारा शो नहीं कर रहा। तो फ़ोन को फिर से डाउनलोड मोड में सेम प्रोसेस, वॉल्यूम डाउन, होम की पावर की प्रेस करके ले जाना है डाउनलोड मोड में, फिर आपको वॉल्यूम अप दबा के कंटिन्यू कर देना, फिर फ़ोन को PC से कनेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे पोर्ट फिर से बन चुका है, यहाँ पे करूँगा मेथड 1 पे। जैसे ही मैंने किया तो ये देख रहे हो फ़ोन हमारा डायरेक्टली FRP रिमूव हो गया, फ़ोन हमारा रिस्टार्ट हो गया, बिल्कुल काम डन। मेथड 1 पे ओनली हमने क्लिक किया। हो सकता है वीडियो में मैंने हल्का लेट बोला होगा, क्योंकि थोड़ी सी वॉइस का ये जल्दी जल्दी कंप्लीट नहीं हो पाता है, वीडियो थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा 5x फास्ट कर दिया था कि ये काम आपका जल्दी हो जाए, क्योंकि ये प्रोसेस होने के बाद में जैसे मेथड 1 पे हम करते हैं ना, तो फ़ोन चालू होने में आपका समथिंग 7 से 8 मिनट का टाइम लगता है, ये डायरेक्ट इस तरह का होम स्क्रीन पे आ जाता है, हमें कोई भी सेटअप करने का नहीं रहता है, डायरेक्ट ये होम स्क्रीन पर आ जाता है। और ये
प्रोसेस आपका एंड्रॉयड 5 और 6 के लिए रहने वाला है, ओनली सैमसंग फ़ोन के लिए। एंड्रॉयड वर्जन 5 और 6 मॉडल कोई भी सा भी हो कोई मैटर नहीं करता, आपके पास एंड्रॉयड 5 या 6 एंड्रॉयड वर्जन वाला कोई भी फ़ोन है, आप सिंपली इस प्रोसेस उसको आप अनलॉक कर सकते हो, डाउनलोड बोर्ड में डायरेक्टली अनलॉक कर सकते हो। मेथड 1 या मेथड 2 ट्राई करके मिलते हैं नेक्स्ट।